आज हम बात करने वाले हैं NSDL पेमेंट बैंक के बारे में। आपने सुना होगा एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और भी बहुत सारा पेमेंट बैंक है जहां से आप अपना बैंकिंग का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको एक बैंक की तरह CSP भी मिलने का दावा किया जा रहा है। सो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कैसे आप NSDL पेमेंट बैंक का एक CSP ले सकते हैं। जैसे आप अपने SBI का, ICICI का, एक्सिस का, UGB का या फिर कोई भी बैंक का CSP लेते हैं, ठीक उसी तरह आप NSDL पेमेंट बैंक को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर फ़ायदा क्या क्या होगा, आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो और एक्चुअल में आपको ये NSDL पेमेंट बैंक का CSP लेना चाहिए या फिर नहीं, मैं आज के इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा वीडियो के नीचे। सबसे पहले वीडियो के नीचे जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे आपको मिल जाएगा वेबसाइट लिंक। आपको वहां पर क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। ये NSDL पेमेंट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दरअसल CSP के लिए ही डिजाइन किया गया है। अगर आप अपने शॉप को बैंकिंग सेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, आप ये सर्विस ले सकते हैं। ये सर्विस लेने के बाद आपको क्या क्या सर्विस मिलेगा, आप इसमें कितना कमाई कर सकते हो, मैं सब कुछ डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ, इसीलिए आपको वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। यहाँ पर आपको ऊपर में मिलेगा अबाउट अस का बटन, आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा कि NSDL पेमेंट बैंक आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा और आपको यहाँ पर जर्नी देखने का मौका मिलेगा। 1996 में NSDL पेमेंट बैंक का स्टार्ट हुआ था। आपको पता होगा NSDL जो कि पैन कार्ड सर्विस प्रोवाइडर है, आप इससे पहले जब भी NSDL से पैन कार्ड बनाते थे बहुत ही आसानी के साथ पैन कार्ड दे दिया जाता था, लेकिन अभी आप यहां पर देख सकते हैं उनका जर्नी क्या है। 1996 में सिक्योरिटीज डिपोजिटर के नाम पर ये काम करता था और 1996 में ही इसका स्टार्ट हुआ था। 2004 से लेकर यहां पर आप नेशनल स्किल रजिस्ट्री कह लीजिए, आधार एनरोलमेंट कह लीजिए या फिर बहुत सारा ऐसा फैक्टर में ये काम कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018 में NSDL पेमेंट बैंक को एक पेमेंट बैंक का सर्टिफिकेट दिया गया है जो कि लाइसेंस मिल गया है। तो 2018 से ही काम कर रहे पेमेंट बैंक के तौर पर, पहले तो पैन कार्ड और भी बहुत सारा फैक्टर में ये काम करता था, लेकिन पेमेंट बैंक के हिसाब से 2018 से यानी कि 3 साल हुआ है ये काम करते हुए। तो NSDL पेमेंट बैंक का CSP लेने से पहले आपको जानना है इसमें आपको सर्विस क्या क्या मिलेगा जो कि आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करके एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो। तो इसके लिए हम चलेंगे इसका होम पेज में। होम पेज में आने के बाद आप यहाँ पर नीचे आना है, आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप बैंक में जैसे आप सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, किसी भी कस्टमर को उसके अकाउंट में आप पैसा सेंड कर सकते हो। लिंकिंग ट्रेडिंग अकाउंट, आप यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिंक करवा सकते हो। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं पेइंग बिल्स एंड मेकिंग रिचार्ज, यानी कि आप किसी को भी बिल पेमेंट करना हो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, आप यहां से पेमेंट कर सकते हो। साथ ही यहां पर आपको रिचार्ज का भी ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सारा बैंक में कैसा होता है, आप जैसे सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको तुरंत ही डेबिट कार्ड नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आप यहाँ पर CSP लेने के बाद स्टार्ट करोगे वर्क तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड इज़ इन योर मोबाइल, यानी कि आपको डिजिटली एक ATM कार्ड दिया जाएगा। भले ही वो ATM कार्ड ATM में स्वाइप ना करता हो लेकिन आप उसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तुरंत ही सडनली आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अगर आप किसी कस्टमर का अकाउंट बुक करवाते हो तो आप डिजिटली डेबिट कार्ड को भी एक्टिव करवा सकते हो इंस्टेंटली। इसके अलावा बहुत सारा ऐसे सर्विस है जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेविंग अकाउंट है, फंड ट्रांसफ़र है, बिल पेमेंट है, अकाउंट सेक्शन की बात करें प्रीमियम सेविंग अकाउंट भी है, क्लासिक सेविंग अकाउंट है, रिचार्ज की बात करें मोबाइल DTH डाटा कार्ड है, डिजिटल डेबिट कार्ड जो कि वर्चुअल डेबिट कार्ड आप इंस्टेंटली जनरेट कर सकते हो। इसके बाद ऑटो पे, एंजॉय फुली ऑटोमेटेड बिल पेमेंट थ्रू आवर ऑटो पे सर्विसेज, यहाँ पर अगर आप एक्टिव करो तो ऑटोमेटिकली बिल पेमेंट हो जाएगा। और भी कई तरह की सर्विस है जो कि आप NSDL पेमेंट बैंक की CSP लेने के बाद आपको मिल जाता है। कमीशन की बात करें तो यहाँ पर आपको कमीशन भी एक अच्छा खासा मिल जाता है, जैसे कि आप अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 80 रुपये से ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बाकी आपको रिचार्ज में
और आपका बिल पेमेंट में मिलेगा ही, साथ में आपको मनी ट्रांसफर में बहुत ही कम चार्जेस के साथ कोई भी अकाउंट में आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी मेन बात है NSDL पेमेंट बैंक का CSP लेने के लिए आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो आजकल बहुत सारा CSP लेने के लिए आपको कोई ना कोई दिन भर कॉल करता रहता है, या फिर आपको CSP लेने के लिए WhatsApp में SMS करी, ऐसा बहुत बार आपको नहीं देखा होगा। लेकिन आपको ऐसे में किसी और को, थर्ड पार्टी या फिर कोई भी पर्सन को आप ऐसे पैसे नहीं दे सकते। अगर आपको ऑफिशियली कोई भी बैंक का CSP लेना है तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आना होगा नीचे, नीचे आपको मिल जाएगा एक कॉन्टैक्ट अस का टैब, यहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा और ईमेल आईडी मिलेगा। आप यहाँ पर सबसे पहले उनका नंबर को नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पर आपको कस्टमर केयर का जो नंबर है यहाँ से आप कॉन्टैक्ट अस पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडे टू सैटरडे 9:30 AM to 6:30 PM ये ड्यूरेशन के अंदर आप कॉल कर सकते हैं। और ये NSDL पेमेंट बैंक का CSP हर लोकेशन के लिए नहीं है। अगर आपको जानना है कि आपके लोकेशन में ये दिया जा रहा है या फिर नहीं, तो अपना वैकेंसी चेक करने के लिए आप इनसे कॉल कर सकते हो, साथ ही आप इनको ईमेल भी कर सकते हो। अगर आपके वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है तो आप यहाँ पर अप्लाई बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, बहुत ही कम चार्ज में। दरअसल ये NSDL पेमेंट बैंक का CSP लेना कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए आप आराम से ले सकते हैं, लेकिन आपके वहाँ वो वैकेंट होना ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है NSDL पेमेंट बैंक का CSP लेने का, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं।